दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से योनो एसबीआई में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जिसका नाम है डोर स्टॉप बैंकिंग। तो चलिए आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं किस तरह से आप डोर स्टॉप बैंकिंग को यूज कर सकते हैं और किस तरह से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, योनो एसबीआई एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटर खुलता है। तो आप यहां पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके तो आप लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से फर्स्ट टाइम लॉगिन किया जाता है नया प्रोसेस के साथ, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप उस वीडियो को देख के आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एम पिन से अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है इस पेज को थोड़ा सा आपको ऊपर करना है और ऊपर करने के क्विक लिंक के नीचे है सर्विस रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर नीचे में डोर स्टेप सर्विस है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए अबाउट डोर स्टेप सर्विस यानी कि नो ब्रांच विजिट। तो आप कहने का ये मतलब है जैसे कि बैंक आप जाते हैं कैश निकालने के लिए या चेकबुक लेने के लिए तो बैंक आपको जाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे सर्विस है जो कि आप बैंक आपके घर में ही आके सर्विस देगा, बैंक के एम्प्लॉई आपके घर में ही आपके सर्विस देगा। तो यहाँ पे आपको न्यू रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा। तो चलिए हम रजिस्टर नाउ कर लेते हैं और इस टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर लेंगे इस पेज को ऊपर करके, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं देखिए कुछ नया इंटरफेस खुलेगा। इन प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट नंबर इतना हैज बीन रिसीव सक्सेसफुल। तो आपका जो है इन प्रोसेस में है, तो 24 घंटे के बाद आपका जो है प्रोसेस में हो जाएगा यानी कि एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फिर से डोर स्टेप सर्विस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका एक्टिवेट हुआ है डोर स्टेप सर्विस कि नहीं। तो व्यू स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा नहीं हुआ, तो जैसे ही होगा यहाँ पे बता दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल ये नया सर्विस लॉन्च किया गया है योनो एसबीआई में, तो चलिए हम जान लेते हैं इस नया सर्विस के माध्यम से यानी कि डोर स्टेप सर्विस के माध्यम से, डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से क्या क्या हम लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं बेनिफिट आपको मिलने वाला है डोर स्टेप बैंकिंग के तहत। कैश पिकअप करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और कैश डिलीवरी का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और चेक पिकअप करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है और फॉर्म 15H का भी आपको पिकअप करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे देखिए केवाईसी डॉक्यूमेंट पिकअप करने का भी आपको मिल सकता है और यहाँ पे डिलीवरी ड्राफ्ट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये सब यानी कि सुविधा आपको मिलेगा डोर स्टॉप बैंकिंग के तहत, यानी कि योनो एसबीआई में जो अपडेट दिया गया अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया, अगर रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं तो ये सब सारे सुविधा का आपको लाभ मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय।